किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुगर कैन फार्मिंग पर। बहुत सारे किसान मित्रों की लगातार कमेंट्स आने के बाद मैं आज फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं और कोशिश करूंगा कि ऐसे ही लगातार वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नैनो फर्टिलाइज़र के बारे में। एक नैनो फर्टिलाइज़र जो मार्केट में बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने उतार चुके हैं, तो ऐसे में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब से इफ़को के प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं नैनो फर्टिलाइज़र को लेकर, तब से मार्केट में काफ़ी इफ़को का दबदबा बढ़ गया है फिर से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नैनो यूरिया के बारे में। तो जैसे कि यूरिया के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। यूरिया तो आप सब जानते होंगे, यूरिया हमारा एक मेजर न्यूट्रेंट है जो हमारी फसलों को, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फसल में सेल डिवीज़न के लिए, फसल की ग्रोथ के लिए, फसल में दाने की चमक के लिए, फसल में फसल की मजबूती के लिए और भी बहुत सारे काम ये आता है हमारे। लेकिन जितना ये हमारे काम आता है, इतना ही ज़्यादा हमारी फसलों को नुकसान भी कर देता है और हमारी ज़मीन को भी ख़राब कर देता है। ज़्यादा इस्तेमाल होने से हमारी ज़मीनें ख़राब हो जाती हैं, ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, उपजाऊ नहीं रहती हैं और फिर हमारी फसल को एक तरीके से लगातार यूरिया की आदत हो जाती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें यूरिया देना होता है, तो ऐसे में हमारा नुकसान पैसे का भी होता है और हमारी ज़मीन भी ख़राब हो जाती है। इससे मानव संसाधन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, मानव का स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है। फसलों के ज़रिए हम लोग खाना जो खाते हैं उसमें भी यूरिया हमारे अंदर आता है और लोगों में भी बीमारियाँ इससे बढ़ती चली जाती हैं। इसी को कंट्रोल करने के लिए तो इफ़को कंपनी ने, भला और भी बहुत सारी कंपनियों ने नैनो फर्टिलाइज़र बनाने शुरू किए हैं। नैनो फर्टिलाइज़र में अब बात करेंगे हम नैनो यूरिया की। तो ये नैनो यूरिया जो है हमारे दानेदार यूरिया से कैसे डिफरेंस है, उससे अलग, उसमें हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है और पिछले उससे हमें क्या क्या नुकसान होता था जिसकी जानकारी हमें नहीं थी, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। हम यूरिया जो भी अपना ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए फसल को डालते थे तो सिर्फ 30% ही हमारी फसल यूरिया का इस्तेमाल करती थी, बाकी का बचा 70% हमारी ज़मीन में लीच हो जाता था। हमारी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती थी जिससे हमें नुकसान होता था, हम अगली फसल नहीं ले पाते थे। अगर हम बात करें नैनो यूरिया की, तो नैनो यूरिया का जब हम इस्तेमाल करेंगे हम 86% से लेके 95% तक हम अपनी फसल में इस्तेमाल कर पाएंगे। बात करें नैनो यूरिया की क्वांटिटी, तो नैनो यूरिया दानेदार यूरिया के अकॉर्डिंग सिर्फ आधा ही हमें इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नैनो यूरिया में और उसमें दानेदार यूरिया में क्या फ़र्क है। तो नैनो यूरिया का जो एक पार्टिकल है वो दानेदार 55,000 दानों के बराबर होता है। नैनो यूरिया दानेदार यूरिया की अपेक्षा 10,000 सरफेस एरिया को कवर आसानी से कर लेता है। प्लांट की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा शानदार रखता है, प्लांट की ग्रोथ को काफ़ी अच्छे से बढ़ाता है। अब बात करते हैं हम दानेदार फसल, दानेदार फसल में इसका क्या फ़ायदा है। दानेदार फसल में तने को काफ़ी मजबूत करता है फसल के, दानेदार फसल में दाने की काफ़ी अच्छी क्वालिटी करता है, दाने को मोटा करता है, फसल के तने को मजबूत रखता है। कंद वाली फसलों में जैसे कि आलू हैं, उसमें कंद का साइज काफ़ी मोटा कर देता है जिससे किसान की उपज बढ़ जाती है। बात करें फसल में ग्रोथ की, तो नैनो यूरिया का रिजल्ट जो पाया गया है कि मार्केट में, वो 30% तक आपकी फसल को बढ़ा देता है दानेदार यूरिया के मुकाबले। यूज़ करने के लिए जहां आप बहुत सारा दानेदार यूरिया अपनी फसल में बिखेरते थे, उसकी जगह यहां पर सिर्फ 1 लीटर पानी में 2 ml यूरिया मिलाकर स्प्रे करना है। ये मान के चलिए कि अगर आपको 1 एकड़ में नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना है तो 250 लीटर पानी में 500 ml नैनो यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी, जो दानेदार यूरिया के अकॉर्डिंग आधे से भी कम है। इसी के साथ जैसे हम यूरिया के अंदर बहुत सारे इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड को मिलाकर फसल में अपने डालते थे, ब्रॉडकास्टिंग करते थे, हम यहाँ पर नैनो यूरिया के साथ भी आराम से इमिडाक्लोरोपिड या बावेस्टिन या और भी अन्य बहुत सारे फंजीसाइड हैं और इंसेक्टिसाइड हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट से लेकर आते थे, आपको एक बैग लेकर आना है तो आपको गाड़ी लेकर जाना था, 4 बैग के लिए भी गाड़ी लेकर जाना था, आप यहीं नैनो यूरिया को अपनी जेब में रख करके 1 एकड़ नैनो यूरिया को आप अपनी जेब में लेके आ सकते हैं, जिससे हमारा कॉस्टिंग बचती है, किसान को काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। एक ही आदमी बहुत आसानी से पूरी फसल में स्प्रे कराता है। दानेदार यूरिया का हम जब ब्रॉडकास्टिंग करते थे वो हमारी फसलों की ज़मीन में जाता था और ज़मीन के ज़रिए ही इस्तेमाल होता था, जिसमें लीचिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते थे, 70% तो लीच हो ही जाता था। यहीं हम नैनो यूरिया का जब फसल में स्प्रे करेंगे तो वो हमारी लीफ से लेकर जड़ तक सारे प्लांट हमारा उसको इस्तेमाल कर पाता है।
नैनो यूरिया के इस्तेमाल से हमारी मिट्टी में काफ़ी सुधार होता है। नैनो यूरिया पर्यावरण हितैषी है। दानेदार यूरिया की हम बात करें तो दानेदार यूरिया इस तरह होता था जैसे कि आप एक किसी भूखे इंसान के आगर ढेर सारा खाना परोस दें और वो खाएगा कितना, जितना उसके पेट को ज़रूरत है। पेट भर जाने के बाद वो सारा बचा खाना वेस्ट हो जाता है, तो इसी तरह दानेदार यूरिया था। लेकिन नैनो यूरिया दानेदार यूरिया के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ पर फसल इसको पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर लेती है। किसान मित्रों, नैनो फर्टिलाइज़र यूज़ करने से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा हमें आसानियाँ हुई हैं। सरकार काफ़ी इस पर ध्यान दे रही है कि नैनो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाए जिससे हमारी ज़मीनों को बंजर होने से बचाया जा सके। तो आप सबसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी से ये गुजारिश करूँगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा नैनो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, जितना हो सके केमिकल फर्टिलाइज़र को भी अवॉइड करें। यूरिया की ज़्यादा मात्रा फसल में देने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, इसका मानव संसाधन पर बहुत ज़्यादा उल्टा प्रभाव पड़ता है जिससे हम काफ़ी बीमार हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काफ़ी लाभकारी होगी, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। गन्ने से संबंधित बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, तो आप वहाँ पर गन्ने से संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।